हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पिछली क्लास यार जरूर देखना, जिसने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी, क्योंकि मुझे पता लग जाता है देखना कि क्योंकि मैं नंबर ऑफ व्यूज देख लेता हूँ वीडियोस पे। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी क्लास पे व्यूज बहुत ज्यादा है, किसी क्लास पे कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, एक दो बच्चे ऐसे हो जो स्किप स्किप करके देखते हो, तो भैया वो बर्बाद कर रहे हैं अपना पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लगातार देखो, पिछला जरूर देखो सर्कल का, है ना। और इसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास हम लेंगे। तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन है, उससे शुरुआत करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज द एल्टीट्यूड, ए डी इज द एल्टीट्यूड, ए डी इज द एल्टीट्यूड एंड एंड ए ई इज द डायमीटर, एंड ए ई इज द डायमीटर, एंड ए ई इज द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल, ऑफ द सर्कम सर्कल, ऑफ द सर्कम सर्कल थ्रू ए, थ्रू ए, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट। आपको क्या करना है? देन प्रूव करना है ए बी इंटू ए सी, देन ए बी इंटू ए सी दैट इज इक्वल्स टू, ए बी इंटू ए सी दैट इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए, ये प्रूफ करना है। ए बी इंटू ए सी दैट इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए। ओके, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या बेटा कि बोला इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज द एल्टीट्यूड। तो आइए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल आपके पास कुछ ये रहा, इनर ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज द एल्टीट्यूड। ठीक है, और ए डी एल्टीट्यूड है, और आगे बोल रहा है ए इज द डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। तो मुझे सर्कम सर्कल की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं बना देता हूँ। ये आपकी आंखों के सामने सर्कम सर्कल है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये ए हुआ। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये सी हुआ। क्या बोल रहा है बेटा? ए डी इज द एल्टीट्यूड, तो ए डी एल्टीट्यूड है। ए इज द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल। अब मान लो सर्कम सर्कल का सेंटर ये है, अगर सेंटर ये है तो इसको ज्वाइन करते हुए जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका डायमीटर हो गया, ये हुआ ए ई, ए इज द डायमीटर। तो आपको प्रूफ करना है ए बी इंटू ए सी। ये समझ लो, ए की वर्टेक्स से चार लाइंस लिए। वर्टेक्स कौन सा है? ए बी, सॉरी, ए वर्टेक्स है। तो पहली ली ए बी, फिर दूसरी ली ए सी, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए, मतलब दोनों साइड्स का प्रोडक्ट उसके परपेंडिकुलर और सर्कम डायमीटर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। आइए इसको कैसे लेंगे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसके बारे में सोचना है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन जो हमेशा बहुत जरूरी है, ठीक है, और वो है कि इसे ज्वाइन कर दो ईसी को। जैसे ही आप ईसी को ज्वाइन करोगे, देखो क्या क्या मिलेगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है आपका ज्वाइन ईसी। पहली चीज मुझे बताओ कि क्या ये एंगल 90 होगा क्या? ऑफकोर्स, क्योंकि ये ओ पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ए डायमीटर है, और ए डायमीटर है तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। ये 90 है इधर, ये 90 है। ओके, दूसरा, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी थीटा होगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट। और अब आप फील कर लो, ये जो दो मैंने ट्राइंगल शेड किए, इन दोनों को बहुत इजीली हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रूएंट। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, आपका ट्राइंगल बेटा कौन सा? ए डी बी दैट इज एक्चुअली कॉन्ग्रूएंट टू, किसके कॉन्ग्रूएंट हो गया? ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई। ओके, दैट इज एक्चुअली कॉन्ग्रूएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। मैच कर लेते हैं ए डी बी में, पहले एंगल ए फिर 90 फिर थीटा, और ए सी ई में ए 90 और थीटा। ठीक है, इतना हुआ। तो जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रूएंट हुए, जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रूएंट हुए, यहाँ पे क्या होगा? साइड्स का रेशियो सेम होगा। साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, कौन कौन सा? इधर लेते हैं ए डी और ए बी का रेशियो। तो यह हो गया ए डी अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू, सिमिलर वे में ए सी और ए दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई का रेशियो। ठीक है, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई और देखिए ये प्रूव हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हो गया ए बी इंटू ए सी दैट इज इक्वल टू ए डी इंटू ए, और ये आपका क्या हो गया? हेंस प्रूफ हो गया। तो आप देख सकते हो यार, कितना इजी वे में हमने प्रूफ कर दिया। याद रखिए, सर्कल में सिमिलर ट्रायंगल का बहुत जबरदस्त यूज है। आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने टॉलमी थ्योरम प्रूफ करवाई थी, उसमें भी सिमिलर ट्रायंगल काम में लिया था।
तो सर्कल और सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके बहुत गजब गजब के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। अब ये मैंने एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन की फॉर्म में तो आपको करवा दिया, पर एक्चुअली मैं अपने आप में ये एक थ्योरम है, इट्स कॉल्ड ब्रह्मगुप्त थ्योरम। ठीक है, क्या नाम है इसका? ब्रह्मगुप्त। तो देखिए, मैंने कहा था आपसे बहुत ऐसी ऐसी थ्योरम्स हैं, मतलब कि अगर आप पढ़ने पर आओ ना यार, तो इतनी है कि मतलब आप साल भर तक पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसी ऐसी थ्योरम्स है। अरे यार ये क्या हुआ, वेट, ओके है ना, साल भर तक पढ़ सकते हो, ऐसी ऐसी थ्योरम्स है। मतलब कुछ तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं जो हमारे काम के लिए, जैसे बटरफ्लाई थ्योरम, डबल बटरफ्लाई थ्योरम, बहुत थ्योरम्स आती है। ठीक है, पर हाँ ये ब्रह्मगुप्त थ्योरम है, मैंने एज अ क्वेश्चन करवाया है क्योंकि मतलब एज अ थ्योरम तो ये कोई इतनी काम की नहीं है, पर फिर भी एक माइंड में हल्का फुल्का रखा जा सकता है इस चीज को। ठीक है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में ये हो गया ब्रह्मगुप्त। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए। अब आगे बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना यार, क्योंकि अगली प्रॉपर्टीज जो मैं बताऊंगा ये काफी यूजफुल भी है और थोड़ी थोड़ी टफ भी है, टफ मीन्स ट्रिकी भी है। आपको काफी कुछ याद होना चाहिए, काफी कुछ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में करवाऊंगा सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, हल्की फुल्की माइंड में रखनी। इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर, इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर, इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर, इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, if h is the orthocenter of triangle abc and p is a circumdiameter then prove that, aapko kuch prove karna hai beta, then prove that, aapko prove karna hai ph and bc, then prove that ph and bc bisect each other। ये प्रूफ करना है PH and BC bisect each other, एक दूसरे को क्या करते हैं, bisect करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और आगे है, bisect each other आगे आपको बोला है। If OA dash is perpendicular to BC, OA dash is perpendicular to BC, where O is circumcenter, O क्या दे रखा है आपको, circumcenter दे रखा है, circumcenter, where O is circumcenter ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सेंटर है, कहाँ पे है, एट पी, पी पॉइंट पे है, देन प्रूफ दैट, फिर आपको वापस से कुछ प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट, और आपको प्रूफ करना है इस बार ए एच इज इक्वल टू ओ ए डैश, और ये काम का है यार, इससे रिमेम्बर, इसे याद रखना, इसे याद रखना है ना, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट है ये कि फ्यूचर में काम आ सकता है, इसे याद रखना। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या कह रहा बेटा, इफ एच इज दी ऑर्थो सेंटर, तो बनाते हैं एक बढ़िया सुंदर सा जबरदस्त डायग्राम, जितना बड़ा और सुंदर और नीट एंड क्लीन डायग्राम होगा उतना अच्छा समझ में आएगा। एच इज दी ऑर्थो सेंटर, एच इज दी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पी इज द सर्कम सेंटर, देन प्रूव दैट पी एच बाइसेक्ट बीसी, ऐसा कुछ है। आइए सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये हुआ आपका ट्राइंगल, ये हुआ आपका ट्राइंगल, ये हुआ कुछ ट्राइंगल ए बी सी, आगे क्या बोल रहा है, पी इज द सर्कम सेंटर, ए बी सी और पी इज द सर्कम सेंटर। ठीक है भाई, सर्कम से सॉरी पी इज द सर्कम डायमीटर, नहीं पी इज सर्कम डायमीटर कैसे हो सकता है, इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर, ओके यहाँ एक वर्ड मिस हो गया, एपी इज द सर्कम डायमीटर, सही बात है, देख लो है ना, इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एपी इज द सर्कम डायमीटर, आइए ज्वाइन करते हैं बेटा, एपी आपका सर्कम डायमीटर है, तो ये रहा कुछ सर्कम डायमीटर जो यहाँ पे सेंटर से होके गुजरेगा, ओ सेंटर है और एपी आपका सर्कम डायमीटर है। ठीक है, देन प्रूव दैट, और एच तो आपको ऑर्थो सेंटर गिवन था ही सर स्टार्टिंग में, एच इज द ऑर्थो सेंटर, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर पे कहीं ना कहीं होगा। अब देखो मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑर्थो सेंटर के लिए आप पता पड़े दूसरा परपेंडिकुलर बना रहे हो, तीसरा बना रहे हो, इतना गंदा डायग्राम मत कर दो, बस एक पॉइंट ले लो अंदाजे से कहीं पे भी, क्योंकि परपेंडिकुलर के ऊपर ही तो लाई करेगा ना, तो बेटा ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये ठीक है। तो ए और क्या नाम दूं इसको, के दे देता हूँ क्योंकि अभी कोई स्पेसिफिक पॉइंट तो बोला नहीं, चलो एम दे देते हैं, एम भी काम नहीं है ना, ए एम, तो एम आपका एक पॉइंट हो गया यहाँ पे ना, तो ए एम है आपका पॉइंट, एक सेकेंड इसको सही लिखते हैं, एच क्लियर होना चाहिए, हाँ तो बेटा एम आपका पॉइंट हो गया। तो अब देखो ए एम परपेंडिकुलर है, एच आपका ऑर्थो सेंटर है, एपी सर्कम डायमीटर है, ओ आपका सेंटर है, अब क्या बोल रहा है कि देन प्रूव दैट पीएच बाइसेक्ट बीसी, बहुत गजब है ना, आपको बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है पीएच बाइसेक्ट करता है बीसी को, ज्वाइन करो भाई पीएच को, ये मैंने पीएच ज्वाइन किया, पीएच ज्वाइन किया, अब ये पीएच कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे तो मिल रहा है,
जो भी नाम होगा बाद में नाम देंगे इसको, आपको प्रूफ करना है कि पी एच बाइसेक्ट बी सी। तो अब आप मेरे साथ साथ फील करना है, मेरे साथ साथ फील करना कि बी एच के बारे में क्या ख्याल है, बी एच के बारे में क्या ख्याल है। अगर मैंने बी एच ज्वाइन किया आगे बढ़ाने पर तो वो परपेंडिकुलर ही होने वाला है, होने वाला है आगे बढ़ाने में परपेंडिकुलर। फील करना आगे बढ़ाने पर तो ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एच आपका ऑर्थो सेंटर था, बहुत ही अच्छी बात है। अगर एच आपका ऑर्थो सेंटर था तो ठीक है। अब मैंने पीसी को भी ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, पीसी को, देखना ध्यान से देखना। अब मैंने ज्वाइन किया पीसी को, क्या ख्याल है, पीसी को ज्वाइन करते ही क्या हुआ, एंगल ए सी पी के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये 90 होगा क्या, ऑफकोर्स क्या ये 90 होगा क्या, क्यों होगा, क्योंकि सर ए पी क्या है, डायमीटर है और एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। ये क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना, कि आपका बी एच तो आगे बढ़ाने पे 90 होगा क्योंकि एच ऑर्थो सेंटर है, एपी आपका डायमीटर है, एपी अगर आपका डायमीटर है तो पीसी ज्वाइन करने पे 90 होगा। आगे मार्क करो बेटा, आगे क्या मार्क करना पड़ेगा, आगे आपको मार्क करना पड़ेगा बचे हुए दोनों को, देखो कैसे, ज्वाइन कीजिए बीपी को, ज्वाइन कीजिए बीपी को और सिमिलर वे में ज्वाइन कीजिए और एचसी को। अब ये सिर्फ किस्मत है कि ओ इस पे लाई कर रहा है, याद रखिएगा ओ इस पे लाई नहीं करेगा हमेशा, ओ इस पे लाई नहीं करेगा, ओके, ओ इस पे लाई नहीं करेगा, फील करना इस चीज को। मैंने बाकी दो को ज्वाइन किया, मुझे सिमिलर वे में बताओ अगर मैं सी एच को आगे बढ़ा दूंगा क्या ये भी 90 होगा क्या, हाँ भाई ये भी 90 होगा, ओके, और यहाँ पे ये वाला एंगल भी 90 होगा, हाँ ये भी 90 होगा। तो अब आप फील कीजिए, बिकॉज आपका ये जो होगा बी एच, सीधा लिख दूं यार, आपका जो ये वाला होगा बी एच, क्या ये बी एच पैरेलल होगा क्या पीसी के, क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब दो लाइन ऐसे है और एक ही लाइन पे 90-90 बनाती है तो इन दोनों का सम 180 हो जाता है, इसका और इसका, इन दोनों का सम 180, और अगर 180 इसका सम है तो फिर बाय को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। तो आप फील कीजिए यहाँ पे ये लाइंस पैरेलल क्यों है, और इसको एन बोलते हैं, तो आप फील कीजिए। चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूँ क्योंकि ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसको लिख ही देता हूँ, क्योंकि बेटा एंगल बी एन सी इज इक्वल्स टू 90, साथ ही साथ एंगल पी सी एन इज इक्वल्स टू 90, और दोनों का जो सम है बी एन सी प्लस एंगल पी एन सी का वो कितना है 180 है, therefore आपकी लाइन पैरेलल है। कौन सी लाइन पैरेलल है, आपकी लाइन है बी एच, दैट इज एक्चुअली पैरेलल टू पी सी, बी एच इज एक्चुअली पैरेलल टू पी सी, ये पैरेलल हो गई। सिमिलरली आप देखिएगा कि इधर ये 90 और ये 90, सिमिलरली यू कैन से दैट सी एच इज पैरेलल टू पी बी। उम्मीद करता हूँ ये तो आप सब बता सकते हो यार, है ना। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्या समझ में आया आपको एक पैरेललोग्राम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है जो आपके सामने चल रहा है इसमें, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से ये चीज फील आ जानी चाहिए बेटा कि जो आपका बी बी एच सी पी है, बी एच सी पी वो एक क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम बन जाएगा तो आपको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को ए डैश बोलते हैं। तो अगर इसको ए डैश बोलेंगे, देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो एच ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश पी, और साथ साथ बी ए डैश इज इक्वल टू ए डैश सी। तो एक पार्ट तो हैंस प्रूफ, एक पार्ट खत्म हो गया, कोई कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को भी यार, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और क्लियरिटी के लिए मैं इस लाइन को एक मिनट के लिए रफ करता हूँ और इसको सिर्फ आधा बनाता हूँ, क्योंकि अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस लाइन को सिर्फ हाफ ड्रॉ करता हूँ, सिर्फ हाफ ड्रॉ, कि सर आगे जाके तो हाँ ये 90 ही मिलने वाला है, तो ये मैं रफ किया। तो अब आप लोगों को क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, डायग्राम आपकी आंखों के सामने है बेटा, चीजें समझने की कोशिश करिए, है ना, और चीजें समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और अब एक काम करता हूँ मैं, इनको एकदम ब्लैक कलर से आगे की तरफ प्रोड्यूस करता हूँ। तो अब आपको क्लियरली जो है रेड दिख रहा होगा कि हाँ सर रेड इज पैरेललोग्राम, है ना बेटा, क्लियरली आपको दिख रहा होगा रेड इज पैरेललोग्राम, ये एंगल 90 है यहाँ पे, और इसका नामकरण दिया नहीं, आप चाहो तो क्या दे दे, कुछ भी दे दो, जरूरत नहीं है वैसे, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा ताकि सेकंड पार्ट प्रूव कर सके। आप देखिए डायग्राम कितना खूबसूरत है, इतना कॉम्प्लेक्स है फिर भी आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगला आपको प्रूफ करना है बेटा, क्या कह रहा है, इफ ओ ए डैश इज परपेंडिकुलर टू बी सी। देखो मैंने ए डैश मिड पॉइंट लिया था, इसी की वजह से लिया था। अब आप फील कीजिए ओ ए डैश इज परपेंडिकुलर टू बी सी होगा या नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। आप ज्वाइन कीजिए, किसको ज्वाइन कीजिए, ओ और ए डैश को। अब आप मुझे एक बात बताइए, ओ आपका क्या है, सेंटर है, सेंटर किसका है, सर्कल का सेंटर है। बीसी आपकी क्या है, क्वाड है, बीसी आपकी क्वाड है, और ए डैश मिड पॉइंट है। तो मैंने आपको पढ़ाया था
कि अगर सेंटर को क्वाड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, याद आया कुछ फर्स्ट प्रॉपर्टी 9th क्लास एनसीईआरटी कि अगर क्वाड के मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन करे तो पक्का 90 पे मीट करता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, पक्का किस पे मीट करता है 90 पे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, किसको इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो ये किस पे मीट करेगा, 90 पे मीट करेगा, तो ये वाला एंगल यहाँ पे क्या होगा 90। समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लेक्स है और इस पोर्शन को मुझे अब रफ करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन। उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा। अब क्या कह रहा है बेटा, इफ ओ ए डैश, लिख भी देता हूं मैं, ये क्या कह रहा है, ओ ए डैश इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ए डैश इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ए डैश इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, वेयर ओ इज द सर्कम सेंटर, यस ओ इज द सर्कम सेंटर है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट पी, ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट पी नहीं होना चाहिए, एट ए पी होना चाहिए, इसको भी सही करना पड़ेगा यार, यहाँ पे भी ए गायब है क्या, वेट अच्छा ठीक है, ये कुछ है ही नहीं, ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बस बस इतना सही है ना, ये थोड़ा सा गलती से लिखा है ना, देन प्रूव दैट, फिर आपको प्रूफ करना है। अब आपको प्रूफ करना है ए एच इज इक्वल टू ओ ए डैश, अब मैं मार्क कर रहा हूँ, फील करना मेरे साथ साथ बेटा कि ए एच क्या है, ये है, और ओ ए डैश क्या है, ये है, इन दोनों में आपको कुछ चाहिए, इन दोनों में रिलेशनशिप चाहिए, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अलग से दिखाता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग से दिखाता हूँ, देखो जरा कुछ ऐसा बन रहा है आपके सामने, कुछ ऐसा सा बन रहा है, अब शायद अच्छे से समझ में आएगा आपको, कुछ ऐसा बन रहा है क्या कि सर ये ए है, ये एच है, ये ओ है, ये ए डैश है और ये पी है, सर ये पी तो चलिए काफी नीचे है, अब सर एक लाइन ऐसी है, एक बार फील कीजिए, सर ये ए एच आगे प्रोड्यूस करने पर एक लाइन जा रही है यहाँ से, उस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन कौन सी जा रही है, बीसी जा रही है, दिख रहा होगा आपको, सर ए एच को आगे बढ़ाया तो बीसी पे परपेंडिकुलर है पॉइंट एम पे, तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, क्यों ऑल्टर सॉरी क्या करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों का 90-90 करस्पॉन्डिंग है, तो मैं क्या बोलूंगा, बिकॉज एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डैश सी इज इक्वल टू 90, करस्पॉन्डिंग एंगल है, therefore A H is parallel to O A dash, ये फील हो गया। अब जैसे ही ये पैरेलल हुआ मुझे बताओ O तो डायमीटर का मतलब मिड पॉइंट था, सेंटर था, तो ये और ये इक्वल हो गए, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर O मिड पॉइंट है और O A dash पैरेलल है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, A dash is Also midpoint. A dash भी क्या होगा? Midpoint होगा. किसका midpoint होगा? This is the midpoint of PM. ये किसका midpoint होगा? A dash is also midpoint of PM. A dash किसका midpoint होगा? PM. इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर ये इसका midpoint होगा, ये तो खैर मैंने ऐसे समझा दिया, ये इसका midpoint होगा तो ठीक है। अब आप देख लो MPT लगा दो, by midpoint theorem लगा दो या कुछ भी लगा दो, आपको प्रूफ करना था AH is equal to O A dash. यार ये क्या हुआ? Wait, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? आज तो बहुत ही गलती हो गई यार इस क्वेश्चन को लिखने में, सॉरी ट्वाइस ऑफ ओ ए डैश, माफ करना तीसरी गलती है, शिट, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसको लिखने में, ए एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए डैश, ठीक है, तो अब आप फील कर सकते हैं देयरफॉर बाय एमपीटी ए एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए डैश हो जाएगा, या उल्टा बोल दो कि जो ओ ए डैश है, ओ ए डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए एच हो जाएगा, यानी कि ए एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए डैश, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। तो यार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है, ठीक है, बाकी यार ये चीज आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यार ये रिलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिलेशन बड़ा आसान है, रिलेशन क्या कह रहा है आपको, कलर चेंज करते हैं, पिंक इज बेटर, ये रिलेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यार ए एच और ओ ए डैश क्या है, ए एच क्या है, ऑर्थो सेंटर का पार्ट है, ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश है आपका सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, इनमें रिलेशनशिप है 2:1 का रेशियो, ठीक है, चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस मोमेंट को नोट कीजिए, आपको आगे लेके चलता हूँ अगली थ्योरम्स, अगले क्वेश्चंस, अगली प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये मैं रफ कर दूँ। तो दो क्वेश्चंस हमने देखे एक ही क्वेश्चन के अंदर, जो काफी जबरदस्त है, काफी जबरदस्त है, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं उतना आपको आ गया होगा। अगला क्या है बेटा, अगला कह रहा है इफ एच जी सी आर, एच जी सी क्या है, ऑर्थो सेंटर कॉमा जी क्या होता है, सेंट्रोइड
सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, एंड सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। देन प्रूव दैट, आपको क्या करना है, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एच जी सी आर कोलिनियर, आपको प्रूव करना है एच जी सी आर कोलिनियर, एच जी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर ऑफ कोर्स फॉर अ नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब सेम हो जाते हैं, तो वी आर डिस्कसिंग फॉर नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड कोलिनियर भी होते हैं, और जो जी होता है ना वो ओ और एच को डिवाइड करता है 1:2, किसमें डिवाइड करता है 1:2 में। आइए इसका सॉल्यूशन यानी कि प्रूफ देखते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है, प्रॉपर्टी है, सीधी लर्न करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बोल रहा है बेटा कि इफ एच जी सी आर ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड इन सर्कम सेंटर, देन प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि एच जी सी आर कोलिनियर। पहले तो मैं इसको मार्क करता हूँ, यार एच जी सी कैसे मार्क करेंगे, देखो मेरे को ट्रायंगल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा क्योंकि सिर्फ ट्रायंगल की बात, सर्कल इसलिए बनाया है क्योंकि सर्कम सेंटर बोल रखा है, ठीक है। ये हुआ आपका, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और कुछ ड्रॉ करो या मत करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो क्योंकि आपको एच की बात बोली गई है, ये परपेंडिकुलर एच यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। वैसा ही डायग्राम बना रहा हूँ जैसा पिछले में बनाया था ताकि सिमिलर आप समझ सकोगे इजिली। यहाँ पे ये आपका पॉइंट है ओ जो मिड पॉइंट है। अब आपको बोला है जी सेंट्रॉइड है, तो यार एक बात बताऊं, मैं कुछ नहीं करूंगा, पूरा डायग्राम पहले वाला ही बनेगा, सब पहले जैसा ही, इसलिए उसको इम्पोर्टेंट बताया था मैंने। क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे समझना मेरी बात को, क्या बोलूं मैं आपको, पता है कि यार ये बीसी का मिड पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए ये बीसी का मिड पॉइंट है, इसको मैंने एम बोला, इसको मैंने एम बोला, आपको पता है बाय प्रीवियस क्वेश्चन, बाय प्रीवियस क्वेश्चन, बाय प्रीवियस क्वेश्चन आपको ये चीज तो पता होगी कि बी एच सी पी इज पैरेललोग्राम है ना, बाय प्रीवियस क्वेश्चन आपको इतना तो पता होगा कि यार ये पैरेललोग्राम है ना, बड़े अच्छे से सभी को पता होगा कि सर ये तो पैरेललोग्राम है, तो बहुत आसान है सर, आपने वहां पे भी सेम ऐसा डायग्राम बनाया था, ठीक है सर, ये बी एच, मैंने कहा था भाई सी इस पे लाई नहीं कर रहा, वो तो किस्मत से लाई कर रहा था, है ना, हाँ सर ये आया कुछ समझ में, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पैरेललोग्राम है। जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ, फिर हमने कुछ बोला था, क्या बोला था कि जैसे ही आप एचपी को ज्वाइन करोगे तो उसके मिड पॉइंट पे कट करेगा, बहुत बढ़िया। तो अब मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ एचपी को, तो अब मैं एचपी को ज्वाइन करूंगा तो ये एचपी जो है इसके मिड पॉइंट पे कट करेगा, तो एचपी ने कट किया इसके मिड पॉइंट पे, चलिए एचपी ने कट किया इसके मिड पॉइंट पे, ये आपका मिड पॉइंट है जिसका नाम क्या है एम है, ये आपका मिड पॉइंट हुआ एम। यहाँ तक ठीक है सब कुछ, आपको प्रूफ करना है कि जो सेंट्रॉइड है और एच है, मतलब सॉरी ऑर्थो सेंटर है सेंट्रॉइड, जी और सर्कम सेंटर है वो कोलिनियर है। अब मैंने सर्कम सेंटर सी दिया तो ओ नहीं दे सकते, यहाँ पे सर्कम सेंटर को सी देंगे तो, और सी दिया अरे यार तो फिर इसको सी नहीं दे सकते, वाह इसको सी नहीं दे सकते भैया ना, तो इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा, इसको क्या नाम दे, बी सी डी दे देते हैं, तो आपका बी एच डी पी पैरेललोग्राम है, चलिए इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो बाय प्रीवियस क्वेश्चन हमने बिल्कुल देखा कि हाँ सर सिमिलर वे में जब भी आप एक परपेंडिकुलर और एक क्या बोलते हैं सर्कम डायमीटर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर कौन सा है ए एच, परपेंडिकुलर है आगे बढ़ाने पर, सर्कम डायमीटर ए एच को भी आप चाहो तो लिख लो कि ये एन पॉइंट है, ए एच एन परपेंडिकुलर है आगे बढ़ाने पर, ए एच एन ए एच को आगे बढ़ाने पर एन पे मीट करता है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज क्या है, इसके बाद नेक्स्ट चीज ये है सर कि आपको पता है ए सी आगे बढ़ाने पर पी पे मीट करता है, ए एन परपेंडिकुलर ए पी सर्कम डायमीटर, ऐसा फिगर बनते हैं कुछ पैरेललोग्राम का फील आता है। अब सर यहाँ पे अगर हम ज्वाइन करेंगे, अब देखो थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं होना बेटा, इसलिए अब मैं ये रेड लाइन हटा रहा हूँ क्योंकि इसका कोई रिलेवेंस नहीं, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, है ना, ताकि आपको डायग्राम समझ में आए कि हाँ सिमिलरली एक जैसा है, और ये समझ में आ जाए कि m इसका मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर बी एम इज इक्वल्स टू एम डी, ये एक खास चीज समझाने के लिए सब किया था मैंने, ठीक है। पिछली बार आपको पता है जैसे ही आपने इसको पैरेललोग्राम बोला था, तो पैरेललोग्राम बोलते हैं डायगनल्स एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, सॉरी डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एम की जगह याद कीजिए हमने ए डैश लिखा था, बिल्कुल ये ऐसा बन गया। आगे क्या है, अब आगे मुझे कुछ ज्वाइन करना है, तो मैं ना यहाँ पे ज्वाइन करने जा रहा हूँ किसको, ए एम को फील करना, ए एम है ना, और इधर से अब मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ इसको एच सी को, एच सी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ये एच सी, ये पूरा ज्वाइन हुआ। अब आप समझिएगा कि ये कुछ डायग्राम वैसा ही है जैसा पिछली बार था, इसको मैं वापस से थोड़ा अलग से लेके समझाता हूँ कि सर ये रहा, ये रहा सर देखिएगा, ये रहा, ये रहा, हाँ कि सर ये ए है, ये वाला पॉइंट ए है सर, ये एच है
एंड क्या बोलूं मैं कि सर ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। हमने कुछ बोला था, क्या बोला था कि सी एम भी परपेंडिकुलर होगा, हमने ये बोला था कि सी एम भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कि सर ये सी एम क्या है, परपेंडिकुलर है, वेरी गुड। पिछले क्वेश्चन से हमने बोला था कि सी एम शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए एच, इतना तो सभी को आ गया होगा, है ना, ये पूरा पिछला क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, पूरा पिछला क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये एच है, ये एम है, सर ये पी है, आप ज्वाइन कीजिए सर इसको, तो आपने बताया था कि सर ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा तो सर ये पैरेलल होगा इसके, सर यहाँ तक सब सही है। अब मजे की बात क्या, अब मजे की बात ये कि अब हमें कुछ ऐसे वाले डायग्राम के ऊपर फोकस करना है जिसको हम बहुत इजीली कुछ ना कुछ प्रूव करके हमारा आंसर ला सके। एक बात बताना, ए एम के बारे में क्या ख्याल है, अगर एम आपका मिड पॉइंट है तो क्या ए एम आपकी मीडियन होगी क्या? बहुत बढ़िया, ए एम आपकी मीडियन होगी। अब आप फील कीजिएगा इसके अंदर, मैं इसको शेड कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा छोटा है इसीलिए मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये और ये, मेरे को चाहिए ये वाले फिगर। इस फिगर के लिए क्या करेंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे कुछ चीजों को, देखिए ए एम ज्वाइन करा और इधर से एच सी ज्वाइन करा, ठीक है, ये जहां पे मीट करेंगे उसको फील करना, मुझे बताना कि ये जब दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या आपका ये वाला ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा? क्यों होगा कि देखिए जरा यार, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल अगर अल्फा तो ये भी अल्फा, हाँ बिल्कुल सही है, ये एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा, बिल्कुल सही है, क्यों, ऑल्टरनेट इंक्रीट एंगल, तो देयर फॉर ये वाला जो आपका ट्रायंगल है इसका पॉइंट का नामकरण करना पड़ेगा, इस पॉइंट को अपन जी बोलेंगे, इस पॉइंट को अपन जी बोलेंगे। अब देखना 2 मिनट में यही सेंट्रोइड निकल के आएगा, इसलिए मैंने इसका नाम जी रखा है। तो देयर फॉर ट्रायंगल ए जी एच इज एक्चुअली सिमिलर टू ट्रायंगल ए जी एच, किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल किसके होगा, एम जी सी के, ये होगा एम जी सी के, बाय व्हाट क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, समझिए आराम से, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया सिमिलर है, जैसे ये सिमिलर है साइड्स का रेशियो सेम है, तो आप रेशियो निकालिए, क्या निकालेंगे आप निकालेंगे ए जी और जी एम दैट इज इक्वल्स टू एच जी और जी सी, एच जी और जी सी, ओके, आप निकालेंगे एच जी और जी सी, अरे यार मुझे वो क्या रहा है, हाँ एच जी और जी सी, सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है भाई। और एक चीज मुझे और दिख गई कि यहाँ पे ओ नहीं होना चाहिए, हो सकता है बच्चों को पहले ही दिख गया हो, आज तो कुछ गजब ही हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, एच जी और जी सी, ठीक है, ये समझ में आया आपको, ए जी अपॉन जी एम एच जी और जी सी दैट इज इक्वल टू, थर्ड रेशो देखिए, देखिए पहले मैंने लिखा ए जी और एम जी या जी एम एक ही बात है, फिर लिखा मैंने एच जी और जी सी, अब थर्ड है आपका ए एच और एम सी, ए एच और एम सी, अब आपको पता है ए एच और एम सी का रेशो कितना है, 2:2 है, तो ये सारे रेशो 2:1 हो गए, सारे हो गए। अब आप मुझे बात बताइए ए जी और जी सी का रेशो क्या हो गया, आपको तो समझ आ ही गया होगा कि सर यहाँ से ए जी ये ओहो सर ये ए जी और सर ये जी एम, सर इसका रेशो 2:1 हो गया। अब मीडियन पे एक ऐसा पॉइंट जो 2:1 पे डिवाइड करे वो तो सेंट्रॉइड ही होता है ना बेटा, तो देयर फॉर आपका जो जी है ना बेटा वो क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, ये आपका काम हो गया। और जैसे ही जी आपका सेंट्रॉइड हुआ ना बेटा, एच जी सी देखो कोलिनियर हो गए, कोलिनियर हो गए, ये कोलिनियर हो गए, ठीक है, ये एक लाइन बनाते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं यूलर लाइन, क्या बोलते हैं इसे, यूलर लाइन, ठीक है, आपके जो बहुत बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे यूलर, उन्होंने दिया था, इसीलिए उनके नाम पे है यूलर लाइन। तो ये एक काम की चीज है, थोड़ा सा टफ है पर समझोगे तो आ जाएगा, मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट है तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हो स्टार्ट करके, है ना बेटा। तो ये यूलर लाइन हो गया आपका एच जी सी। अब आपको आगे प्रूफ करना था कि जी जो है वो एच सी को 2:1 में डिवाइड करेगा, और मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई थी लिखने में, मैंने सही कर दिया, आपको ये प्रूफ करना था कि जी जो है इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, तो आप जरा देखो ये आपके पास आ गया, ये देखो ये रहा एच जी और जी सी दैट इज इक्वल टू 2:1। तो अगर आप देखोगे एच जी और जी सी का रेशियो 2:1 है और ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, हेंस हो गया, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:1, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम दी क्या बोल सकते हैं अपन, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर से 2:1 में डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी काम की है, तीनों कोलिनियर होते हैं ये देख सकते हैं। और यहाँ से एक चीज और सीखी हम लोगों ने कि किस तरीके से चीजों को कोलिनियर प्रूव किया जा सकता है। अगर मैं तीनों पॉइंट कंसीडर कर लेता ना कि सर ये एच है, ये जी है और ये सी है, तो ऐसे कोलिनियर प्रूफ करना टफ हो जाता, क्या क्या टफ हो जाता कि यार ये कोलिनियर होंगे, ये प्रूफ करना टफ हो जाता,
तो फिर उस केस में मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया ऐसे ले लिया, एक मिनट, हाँ मैंने इसको क्या करा बेटा, मैंने इसको कोलिनियर ही ले लिया, पर मैंने एच और सी ले लिया और मैंने ये प्रूव किया जी इसी के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हुआ आपका। पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ू आपको नेक्स्ट चीज के ऊपर लेके जाऊं, अगले के ऊपर। चलिए अगला हम स्टार्ट करते हैं बेटा, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा। इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर, इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर, इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर, इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एंड ए एच एंड ए एच प्रोड्यूस्ड एंड ए एच प्रोड्यूस्ड टू मीट बीसी एट डी, टू मीट बीसी एट डी and circumcircle of triangle ABC at P, circumcircle of triangle ABC at P, then prove that, और आपको कुछ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, HD is equals to DP, then prove that HD is equals to DP, आपको ये प्रूफ करना है। आइए स्टार्ट करते सॉल्यूशन। क्या कह रहा है सॉल्यूशन यहाँ पे, H is the ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल एबीसी को, आइए, और सर्कम सर्कल की भी बात की है तो सर्कल भी बनाना पड़ेगा हमें। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यार ये ऐसा टॉपिक है सर्कल जो सबको यूज कर देता है, सारी प्रॉपर्टीज सारी चीजें एवरीथिंग विल बी यूज। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी का यूज हुआ, सिमिलैरिटी का यूज हुआ, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज का यूज हुआ, पैरेललोग्राम वगैरह काफी कुछ यूज होता है। एच इज दी ऑर्थो सेंटर, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यार, तो ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा उस पर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एच हो गया। इफ एच इज दी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ए एच इज प्रोड्यूस, तो अब मुझे ए एच को आगे प्रोड्यूस करना है, ए एच इज प्रोड्यूस टू मीट बी सी एट डी, तो अब ये बी सी को कहाँ पे मीट करता है, ये बी सी को डी पे मीट करता है, बी सी को डी पे मीट करता है, एंड सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट पी, और इसको यहाँ पे पी पे मीट करता है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एच डी इज इक्वल टू डी पी, आपको ये प्रूफ करना है कि ये एच डी और डी पी सेम होगा। इसका मतलब क्या है, देखो आप अगर गौर से देखोगे ना तो बी सी पे परपेंडिकुलर आ रहा है, तो एच का इमेज है पी, किसी भी लाइन पे एक पॉइंट, एक सॉरी किसी भी लाइन के अलॉन्ग एक पॉइंट की जो इमेज होती है ना, वो इसी पॉइंट से परपेंडिकुलरली जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना डिस्टेंस नीचे होती है। तो आप फील कर सकते हैं अगर एच डी और डी पी इक्वल है तो ये इसका इमेज है। तो कभी कभी इसको ऐसे भी बोला जाता है कि द इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अलोंग द साइड ऑफ द ट्राइंगल, दोबारा सुनो, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अलोंग द साइड ऑफ अ ट्राइंगल लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं, देखो मैं लिखता हूं कि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अलोंग 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 साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी साइड से ले सकते हो, साइड ऑफ ट्राइंगल, Along side of triangle lies on circumcircle. ये कहाँ पर है? Circumcircle में लाई करता है। ऐसे भी याद रख सकते हो उसे। इसके लिए आइए कुछ construction करते हैं। Join कीजिए BH को, join कीजिए इसको। ये हो गया। और क्या join करवाऊँ मैं? देखो इसको भी join कर लो, क्या पता काम आ जाए। PC को भी join करो। इतना हो गया काफी। आइए mark करते हैं कुछ। मैंने एंगल से मार्क करना स्टार्ट करता हूँ, सब डायग्राम में बता दूंगा, सुनना। इसको मैंने थीटा बोला, तो क्या ये भी थीटा होगा क्या? क्यों सर, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू थीटा, एंगल इन सेम सेगमेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे एक चीज और ज्वाइन करवानी पड़ेगी यार। हाँ एक मिनट, एक चीज और ज्वाइन करवानी पड़ेगी, वो है ये। अब देखो ये कोई सोच सकता है सर ये पैरेललोग्राम पिछला डायग्राम, नहीं भैया वो नहीं है, गौर से समझना, वो नहीं है, ये 90 हो गया। ठीक है, तो आप फील कीजिए कि आपका जो ये वाला बन गया फिगर, ये भी क्या है, इसको क्या नाम दे, इसको देते हैं एम। तो आप फील कीजिए बी एम सी, एंगल बी एम सी 90 है, एंगल बी एम सी 90 एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, लेकिन यार इससे क्या काम होगा? नहीं यार इससे तो कुछ काम नहीं है, इससे तो कोई यूज ही नहीं हो रहा, मजा नहीं आया। तो कुछ और सोचना पड़ेगा आपको।
कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, वापस थोड़ा सा बैक चलते हैं, इससे उतना आसान नहीं होगा। देखो ये कंस्ट्रक्शन कर करके लिखना पड़ता है बेटा, याद रखिए आप लोग भी, है ना, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत कर करके लिखना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसी को प्रोड्यूस कर दूं तो बेटर है, ठीक है, इससे ही शायद काम हो जाए। ये एंगल 90, इसी को हम एम बोल देते हैं, ठीक है। आइए जरा क्या करना पड़ेगा, एंगल बी एम सी 90, हाँ ठीक है, शायद इससे हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, एंगल बी एम सी 90, एंगल ए डी सी भी 90 है, क्या आप इसे 90 माइनस थीटा बोल सकते हो क्या? हाँ सर बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अगर ही 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ सर वो तो वैसे ही हो जाएगा। ये देखो ना एंगल 90 है आपका बी डी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत बढ़िया। अब आप एक बात बताइए, आपका ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसी के अंदर ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एंगल बी एम सी, ये ऊपर लिख रखा है अपन ने, एंगल बी एम सी 90 है, देयरफॉर एंगल एम बी सी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अब आप आखिरी पॉइंट पे आ जाओ कि सर ये वाले को देखो और ये वाले को देखो। सर इसमें जो बी डी है ना, वो दो तरीके से काम कर रही है। सर बी डी एक तो परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर है क्योंकि वो 90 डिग्री बना रही है, और सर देखो एंगल बाइसेक्टर भी तो है, एंगल बाइसेक्टर भी है, बिल्कुल सही, एंगल बाइसेक्टर भी है। तो जहां पे ये दोनों हो गई, इसका मतलब ये आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, और ये परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ मीडियन की तरह भी वर्क करेगी, है ना, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। तो देयरफॉर अगर ये मीडियन है तो एच डी इज इक्वल्स टू डी बी, और ये क्या हो गया आपका, हैंग्स प्रूफ हो गया, है ना, एच डी किसके इक्वल हो गया, डी पी के। चलिए तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा यार, है ना, मेरी उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज की क्लास में मैंने बहुत ही जबरदस्त कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस एज अ प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग ज्योमेट्री को बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, केवल कुछ ही क्लासेस की और नीड है। ज्योमेट्री मैंने बहुत आराम आराम से भी आप लोगों को पढ़ाई है, काफी सारे वीडियोस बना के, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है यार जो मैंने काफी सालों से पढ़ाते हुए नोट किया है कि इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और ये माइंड में फिट होने में थोड़ा समय लगा देता है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।